तो गाइज मैं पहुंच गया हूं कानपुर अपने वर्कशॉप पे, जो कि है भाई का वर्कशॉप क्रिएटिव कस्टम। और अपनी गाड़ी लग चुकी है यहां पे। आज गाड़ी की कायदे से डिटेलिंग होगी। अभी तो फ़िलहाल सैंडिंग हो रही है और ये अपना भाई है, इसको आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा तो फिर से देख लो। अभी इस पर 1500 नंबर से सैंडिंग हो रही है और ये साइड पे हो चुकी है पूरी सैंडिंग। एक्चुअली गाड़ी में सोल मार्क बहुत ज़्यादा आ गए थे ना, तो वो निकालना है। और जब से गाड़ी ली है तब से कोई काम ऐसा कराया नहीं, ऐसे वॉशिंग कराई है। तो अभी तो फ़िलहाल ये कंडीशन है, होने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए सैंडिंग हो गई है, तो यहाँ पर शाइनिंग पूरी जा चुकी है। अभी इसके ऊपर कंपाउंडिंग होगी, फिर पॉलिशिंग होगी। काफी लगा, मुझे मारोगे निकल जाएगा मेरे ख्याल। तो भाई ये स्क्रैच आए थे, किसी बच्चे ने मार दिए थे। देखते हैं ये निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। अभी तो काफी डीप है ना इसलिए, बट हाँ ये है कि सोल मार्क सारे निकल जाएंगे जितने भी थे गाड़ी में। और अभी 1500 नंबर सैंडिंग हुई है, अभी 1500 अभी पीछे भी हो रही है, इसके बाद 2000 नंबर चलेगी, फिर लोग दिखाता हूँ आपको फाइनल कैसा आता है। वैसे कंपाउंडिंग इधर स्टार्ट हो गई है। इस मशीन को क्या बोलते हैं? सैंडिंग मशीन। सैंडिंग मशीन बॉश की है? बॉश की। उस पर ना सैंडिंग कर देना, क्रोम पे कपड़े वाला है। पीछे उड़ता है ना, तो गाइस बम्पर पे बहुत सारा जो रोड का डामर होता है ना, जहाँ रोड पे काम चल रहा होता है वहाँ से डामर जो है टायर से उछल उछल के पीछे आता है, वो दिखता नहीं है एक्चुअली। अब आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा छोटा, तो ये सारा क्लीन जब होता है ना तब एक्चुअल शाइन निकल के आती है गाड़ी की। और ये हाथ से पॉसिबल है नहीं, हाथ से बिल्कुल अनइवन होता है। इधर सैंडिंग हो रही है और इधर कंपाउंडिंग चल रही है। क्यों ये कौन सा कंपाउंड है? विस्टा, विस्टा हैवी कट। इसके बाद सीलेंट लगेगा ना, ग्लेज। अच्छा लंबा प्रोसेस है। यहाँ देखो कितना ज़्यादा पेंट उखड़ा, ये तो पूरा ही चला गया है। गाइस अगर आप लोग क्रिएटिव कस्टम आते हो ना कानपुर, तो आप जब अपनी गाड़ी का काम कराते हो ना, तो गाड़ी का काम वहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है। ये देखिए एकदम हेल्दी खाना है ना, साथ में कोल्ड ड्रिंक है, थोड़ा सा अनहेल्दी है लेकिन होता है ऐसा। तो आओ और खाओ, नहीं खाओ नहीं, खाना हम लोग ने मंगाया, ठीक है आओ और काम कराओ। और अभी गाड़ी का काम चालू है, उधर चल रहा है, जैसे ही होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। सो ये जो क्रिएटिव कस्टम है कानपुर में, यहाँ पे आपका गाड़ी का सारा काम हो जाता है, लाइक सर्विस से लेके गाड़ी का मॉडिफिकेशन से लेके और गाड़ी की डिटेलिंग, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। आपकी कार में आपको कुछ भी कराना है ना, वो सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रैप्स भी टंगे हुए हैं, मैंने अपनी पिछली वाली कार का जितना भी मॉडिफिकेशन हुआ था ना, सब यहीं पर ही हुआ था। ये अपना पड़ता है नमक फैक्ट्री चौराहा है, जो कानपुर से उनको पता होगा, नमक फैक्ट्री चौराहे पे ही है बिल्कुल। तो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये भाई की गाड़ी है पोलो 1.5 TDI, और ये भाई बहुत ही प्यारी गाड़ी है। और भाई ने इसको तीन बार ठोकने के बाद इसकी हालत हुई है। एक चीज़ जो मुझे इसमें बहुत सही लगी ना यार, आप जर्मन कार्स में देखिएगा इनकी जो पेंट क्वालिटी होती है। अब आप देखो ये लड़ी हुई है, यहाँ पर पेंट उखड़ चुका है, लेकिन ये गाड़ी 1.5 साल से खड़ी हुई है यहाँ पर, और इसमें रस्टिंग कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। तो बाबा ये फ़र्क होता है,
नॉर्मल कार्स और जर्मन कार्स में। बहुत जल्द ये भी गाड़ी तैयार होगी, ये भी अपनी रेड कलर की है और इसमें ग्राफिक्स हैं कुछ इस तरीके से। बाकी मैं इसके पार्ट्स भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसका गया हुआ है। ये देखिए इसका इंजन का काम चालू है, सब कुछ यहीं हो जाएगा। ये इसका इंजन रखा हुआ है, तो ये चीज़ है। गैस कंपाउंडिंग के बाद होती है वॉशिंग। वॉशिंग से क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं चिपक जाते हैं वो सारा निकाल देते हैं। अब इसके बाद होगा इस पर एक ग्लेज कोटिंग। ग्लेज कोटिंग के बाद होगी इस पर फाइनल फिनिशिंग की एक कोटिंग होती है, तब एक्चुअल लुक आएगा गाड़ी का। और मैं सोच रहा हूँ इसका जो बोनट है ना, बोनट और छत ब्लैक है ही ऑलरेडी, बोनट छत और डिग्गी ब्लैक करने का। देखते हैं बोनट करके कैसा लुक आता है, अगर अच्छा लगा तो रखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। वॉशिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसके बाद क्या लगेगा इसमें? इसके बाद लगेगा ग्लेज, और ग्लेज के बाद पॉलिशिंग, उसके बाद इसकी डिटेल निकलेगी। और बोनेट को हम सोच रहे हैं रैप करने की, तो वो देखते हैं करके कैसा लगता है। अब ये ग्लेज लग चुका है इसमें, अब ग्लेज से घिसाई होगी, आज पूरा फेशियल होगा इसका कायदे से। भाई करा तो ले रहे हैं सब कुछ, लेकिन बाहर हो गई बारिश और वो देखो अपनी दूसरी पोलो खड़ी हुई है, पूरी रैप्ड है, एक्वा ग्रीन है। भाई यहाँ पर ग्लेज कोटिंग हो चुकी है, अभी स्मूथनेस छूने में तो बहुत ही खतरनाक पता चल रही है, और स्वर्ल मार्क भी निकल गए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन यार जो अपना बोनट है ना, बोनट की यार पेंट क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। ये भाई जिनकी गाड़ी थी उन्होंने मुझे लग रहा है कहीं बाहर बाहर पेंट करा दिया इसको, तो पेंट यार ना अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, इसको रैप ही कर देंगे, ब्लैक रैप करेंगे, अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें आप देखो यहाँ पे एजेस पे कितना सारा निकला हुआ है ये, तो यार ये मज़ा नहीं आया। छूने में तो बिल्कुल स्मूथ है, बट इसका मार्किंग भी निकल रही है, बट ये फेड आउट हो गया है, तो यार इसको ऐसे नहीं रखेंगे अपन, क्योंकि पूरी गाड़ी चमक रही है और फिर इतना फेड आउट है तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये साइड हो जाता है, फिर उसके बाद हम रैप चालू करेंगे, फिर रैप दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से रैप होता है। तो इसके बोनट पे अपन करेंगे सैटिन ब्लैक, और छत पे देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि छत का भी रैप बहुत ख़राब है। छत पे क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि फिर अलग अलग लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, छत पे और बोनट पे पहले करके देखते हैं, पहले बोनट पे करेंगे कैसा लुक आ रहा है उस हिसाब से देखते हैं, फिर छत को भी सैटिन ब्लैक कर देंगे, फिर सोच रहे हैं हम डिग्गी को भी कर दें, पहले देखते हैं आगे करके देखते हैं, फिर जैसा लुक आता है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। गाइस ये फाइनल टच के लिए अब ये लगा रहे हैं फाइनल फिनिश, मेंजरना का सोलर रिमूवर, ये फाइनल, ये जितना भी हमने किया है उसको लॉक कर देगा ये, और एकदम हाई ग्लॉस फिनिश आएगी इसके बाद। अभी टाइम हो रहा है 6:31 और मैं आया था लगभग 2 बजे, टाइम तो लगता है बाबा। खैर अभी ये फिनिशिंग टच दे रहे हैं, फिनिशिंग जैसे ही होती है इसकी, इसके बाद दिखाते हैं आपको, अपडेट देते हैं, और जैसा कि मैंने बताया बोनट को रैप करते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल में। सो इसमें अब सैटिन ब्लैक लगने जा रहा है, और देखते हैं कैसा लुक आता है। ये क्या है भाई, इसमें कुछ नहीं, गंदा। आओ तुम जूता से छिट्टी मार दी, पानी तो पड़ेगा भी, ऊपर डालेंगे स्प्रे। ऐसे करते हो बकरमंडी स्टाइल? नहीं ऊपर डालते हैं, सीएम का बॉन्ड लगा रहे हैं ताकि एजेस से निकले ना। होता क्या है जब हम लोग रैप करते हैं जनरली, आप बाहर से कहीं से कराओगे तो एज निकल जाते हैं कुछ दिन में, इससे नहीं निकलेंगे, बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे ना, गारंटी है, गारंटी है। हाँ, जब रैप हटाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्लू छोड़ेगा, कुछ होगा, वो सारी चीज़ें नहीं है, बहुत आराम से क्लीन भी हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है करना, ऐसा नहीं है डबल टेप जब लगाते हैं ना, डबल टेप बहुत लोग लगा देते हैं, वो ख़राब कर देता है रैप को, निकल भी जाता है वो जनरली, और ग्लू बहुत ज़्यादा छोड़ता है वो। और
भैया ये रैप अपना चालू हो गया है, और अगर आप देसी जगह से कराओगे तो आपको क्या होगा, कटिंग में रैप लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा रैप होता नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी रैप को कटिंग में नहीं लगाना है। गाइस बोनट अपना रैप हो चुका है सैटिन ब्लैक से, और बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है लुक। अब आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, और अभी मैं इसको डे लाइट में भी दिखाऊंगा आपको। और कार का ग्लॉस तो बाबा बहुत ही एकदम ख़तरनाक निकल के आया है, एक भी स्वर्ल मार्क नहीं दिख रहा है। तो अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है, अभी बोनट हमने कर दिया है सैटिन ब्लैक, बाद में हमें क्या करना है, इसमें डिग्गी भी करनी है ब्लैक। अच्छा तो ऑलरेडी ब्लैक है, लेकिन इसको भी सैटिन करेंगे ग्लॉस में वो।